नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स किसे भरना है, कब भरना है और कितना भरना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एडवांस टैक्स किन टैक्स पेयर्स को भरना होता है। तो सारे टैक्स पेयर्स, फिर चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो या फ्रीलांसर हो, यदि फाइनेंशियल ईयर के दौरान उनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये या 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो ऐसे में ऐसे सारे टैक्स पेयर्स को एडवांस टैक्स भरना होता है। तो ऐसे सारे टैक्स पेयर्स जिनकी फाइनेंशियल ईयर के दौरान टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये या 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उन्हें एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स भरनी होगी। यदि टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन है जिनकी आयु 60 साल या उससे ज़्यादा है, ऐसे में उन्हें एडवांस टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करते हैं तो, यदि सीनियर सिटीजन कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो ऐसे में उन्हें एडवांस टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वो बिजनेस करते हैं तो उन्हें एडवांस टैक्स भरना होगा। और ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम को ऑप्ट करके रखा है, जैसे कि बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स, तो जिन टैक्स पेयर्स ने सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA के अंतर्गत प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है, उन्हें अपना एडवांस टैक्स केवल एक ही इंस्टॉलमेंट में भरना होगा और वो इंस्टॉलमेंट उन्हें 15 मार्च के पहले भर लेनी होगी। इसका मतलब जो टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न और अपना इनकम टैक्स प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम के अंतर्गत फाइल करने वाले हैं, उन्हें अपना 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च के पहले भरना होगा। और ऐसे टैक्स पेयर्स के पास में एक और ऑप्शन होगा कि यदि वो अपना एडवांस टैक्स 15 मार्च के पहले नहीं भरते हैं, तो वो टैक्स पेयर्स अपनी सारी टैक्स लायबिलिटी 31 मार्च के पहले जमा करा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरने के कारण लगने वाला इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर यदि कोई बिजनेस नहीं करते तो उन्हें एडवांस टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। और जो टैक्स पेयर प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम के अंतर्गत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उन्हें अपना 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च के पहले भरना होगा। अब बात कर लेते हैं कि एडवांस टैक्स भरने की ड्यू डेट क्या होगी और किस ड्यू डेट पे कितना एडवांस टैक्स जमा करना होगा। तो यहाँ एडवांस टैक्स जो है 4 इंस्टॉलमेंट्स में भरना होगा, जैसे कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो यहाँ यदि बात करें तो एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को भरनी होगी। इस 15 जून को टैक्स पेयर की जो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है उसका 15% एडवांस टैक्स जमा करना होगा। और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो 15 सितंबर को भरनी होगी। इस 15 सितंबर को जो टैक्स पेयर की टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है उसका 45% एडवांस टैक्स जमा करना होता है। तो जब हम इस 45% को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से जो पहले 15% भरा है उसे माइनस करना होगा, जो बचेगा वो इस 15 सितंबर को भरना होगा। इसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को भरनी होगी। इस 15 दिसंबर को टैक्स पेयर को अपनी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का 75% एडवांस टैक्स जमा करना होता है। तो टैक्स पेयर को पहले 75% एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर लेना होगा, उसमें से पहली जो 2 इंस्टॉलमेंट्स भरी है वो एडवांस टैक्स माइनस करना होगा, जो बचेगा उतना इस तीसरी इंस्टॉलमेंट में भरना होगा। और चौथी और आखिरी जो इंस्टॉलमेंट भरनी है वो 15 मार्च को भरनी होगी। इस 15 मार्च को टैक्स पेयर को अपना 100% एडवांस टैक्स जमा कर लेना होता है। तो टैक्स पेयर को जो 3ों इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरा है वो माइनस करना होगा, और जो बचा है उतना एडवांस टैक्स उसे चौथी इंस्टॉलमेंट में 15 मार्च के पहले भर लेना होगा। तो जिन टैक्स पेयर्स की फाइनेंशियल ईयर के दौरान टोटल टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये या 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ऐसे सारे टैक्स पेयर्स को यहाँ बताए गए 4 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, यहाँ बताई गई ड्यू डेट के हिसाब से एडवांस टैक्स जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234B और 234C के अंतर्गत एडवांस टैक्स में डिफॉल्ट करने के लिए इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।